गुड डे यू ऑल आवर पीपल। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम 3D क्यूब का यूज करके कुछ एनिमेशन कर सकते हैं इस तरह का। ओके, रेंडर होने में टाइम लेते हैं। ओके, तो प्ले करके देख सकते हैं कि हम किस तरह से ये हो रहा है। कुल तो यहाँ पे मेरे पास मे बी 3 क्यूब है। एक्चुअली मैंने एक ही बनाया और 3 को डुप्लीकेट कर दिया है। और देन मेरे पास पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि सॉलिड स्लाइड है, एंड यहाँ पे मेरे पास है एक और सॉलिड स्लाइड जो कि टर्न हो रही है थर्ड डायमेंशन में, आई मीन एज इन 3D। सो ओके, ये किस तरह से बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक नया फोल्डर बना लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो बनी हुई ऑलरेडी है इसके साथ कोई भी तरह की हरी हो। तो एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ न्यू नाम का। ओके, देन इसके अंदर एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ। पीछे का कलर ब्लैक है, देन साइज है मेरी 720x25, 1287x20 कॉम, कुछ भी नाम रख दो क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमको क्यूब बनाना है, तो क्यूब के लिए मैं एक स्क्वायर लूँगा। ओके, इसका इनसाइड कलर मे बी जस्ट फॉर नाउ मैं येलो रखूँ, ये येलो रखता हूँ, येलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी के लिए इसका फिल कलर लाइट येलो रख देता हूँ। स्ट्रोक्स इसकी 10 रख देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं। ओके, 10, यप, एंड स्ट्रोक का कलर वाइट। ओके, तो अब यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमको स्क्वायर की साइज़ को डिटरमाइन करना होगा कि वो कितनी रहेगी। अभी के लिए मैं रख रहा हूँ 200 200, मतलब 200 फॉर ईच साइड। तुम कोई भी साइज रख सकते हो जो तुमको चाहिए। ओके, तो फॉर साइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, देन कहाँ गया इसका पाथ। ओके सॉरी, कंटेंट, कंटेंट में रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल में रेक्टेंगल पाथ में तुमको साइज मिलेगी, ये रही। ओके, तो 200 200 कूल। तो अभी ये हर साइड से 200 है, और बट यहाँ पे एक अभी भी लोचा है जो कि इसका स्ट्रोक है वो 10 का है। तो एक्चुअली वो 5 अंदर और 5 बाहर से है, तो मुझे इसका 5 अंदर से काटने के लिए एक ऑफसेट क्रिएट करना होगा, यानी एक ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट में जाके ये जो 10 है उसको मैं -5 कर देता हूँ। ओके, तो नाउ अभी परफेक्ट 200 200 है सभी साइड से। ओके, तो अब इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मली ये 3D में कन्वर्ट करने से चारों साइड से नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमको इसको एक प्री कॉम में कन्वर्ट करना होगा और चारों साइड ऐसे ऐसे क्यूब स्क्वायर्स को जोड़ना होगा, तब जाके एक क्यूब हमको मिलेगा। और चारों साइड से भी नहीं, सॉरी, 8 साइड से, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट। तो इसके लिए मैं एक नई कंपोजिशन क्रिएट कर देता हूँ, शेप लेयर। ओके, मेरे को इसका नाम चेंज करना है, तो कंपोजिशन का नाम, प्री कॉम का नाम, या तो प्री कॉम की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ओके सॉरी, कहाँ गई इसकी कंपोजिशन, यही है। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे आता हूँ लेयर में, एंड लेयर में लेयर सेटिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है, का है भाई, कॉम्पेट, नो। ओके सॉरी, कॉम्पोजिशन की सेटिंग में मुझे जाके इसका नाम चेंज करना होगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रंट कंपोजिशन सेटिंग्स। ओके, देन यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्रंट, नहीं फ्रंट नहीं, लेफ्ट दे देता हूँ, बिकॉज फ्रंट तो जो मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है मैं उसी को रखना चाहूँगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया है लेफ्ट। ओके, बट मेरे को एक और बनाना तो होगा ही फ्रंट के लिए, सॉरी,
मैंने गलत एस्टिमेट कर दिया। तो यहाँ से अब मैं एक और बना देता हूँ कॉम्प, इन इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है। तो वो हो जाएगा मेरा फ्रंट। ओके कहाँ भाई, लेफ्ट टू। ओके तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट टू आ चुकी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कंपोजिशन सेटिंग में जाके राइट, सॉरी फ्रंट। ओके तो अब मेरे पास फ्रंट और लेफ्ट दोनों हैं। यहाँ से मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ओके तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट है और यहाँ पे मैं जिसका अभी मुझे यहाँ पे तो कोई काम है नहीं खास, तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ और फ्रंट को नीचे लेके आता हूँ। तो अब ये जो लेफ्ट है उसको मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न मरवाना होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसकी पोजीशन ऑन कर देता हूँ और इन दोनों को पहले तो 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके देन अब मैं ये जो लेफ्ट वाला है इसकी पोजीशन ओपन करता हूँ, इसको साइड में लेके आता हूँ कुछ इतना। ओके बट फिर भी ये परफेक्टली उस साइड लेफ्ट में आया है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो उससे अच्छा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड, तो ये माइनस में हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ 600 पे आता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, माइनस करके 200 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये अपने आप ही उसका प्रोपोर्शन ले लेगा और उसको एग्जैक्टली माइनस 200 में, मतलब माइनस लेफ्ट साइड उसको रख देगा। और अब मुझे जो लास्ट काम करना है वो है इसका ये जो सेंटर पॉइंट है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है। ओके स्नैपिंग को ऑफ करना होगा। ओके परफेक्ट है ये, जिससे कि अब मैं इसको वाई साइड टर्न, वाई एक्सिस पे टर्न कराऊं तो रोटेट कराऊं तो ये बिल्कुल उसके पीछे चला जाए। जैसे कि अभी मैंने इस पे रोटेशन ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करा देता हूँ कुछ इस तरह। तो अब तुम देख पा रहे हो कि किस तरह से इसके पीछे जा रहा है। ओके तो अब बट स्टिल ये परफेक्टली पीछे गया है या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ से 90 डिग्रीज को टर्न करा देता हूँ तो वो एग्जैक्टली उसके पीछे जाएगा। ओके तो वो गया है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम यहाँ एक्टिव कैमरा पे क्लिक करते हैं और कस्टम व्यू पे क्लिक करते हैं। ओके तो यहाँ पे अब मैं देख सकता हूँ कि ये उसके पीछे ही है। ओके जूम करके भी थोड़ा बहुत अगर देखना हो तो तुमको, तुम देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली उसके पीछे ही है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब जिस तरह से हमने ये लेफ्ट बनाया है, ओके कैमरा व्यू ठीक कर देता हूँ, उसी तरह से अब हमको राइट और राइट अपर डाउन साइड एंड सेंटर भी बनाना है, बैक सॉरी बैक भी बनाना है। तो उसके लिए अब मैं लेफ्ट पे आता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको यहाँ से नाम दे देता हूँ राइट। लेफ्ट हो गया अब राइट। ओके तो अगेन राइट को नीचे लाओ, राइट की पोजीशन लो। ओके कूल, उससे पहले उसको 3D बना दो। अब यहाँ पोजीशन पे इसकी आके माइनस, उधर हमने -200 किया था लेफ्ट में जाने के लिए, तो राइट में जाने के लिए +200 करेंगे तो वो राइट में आ गया। अगेन अब इसका एंकर पॉइंट लो, इसको बिल्कुल सेंटर में रखो एंड उसको हमने वाई एक्सिस पे टर्न कराया था तो इसको हम एक्स सॉरी वाई पे ही कराएंगे, बट दूसरी साइड कुछ इस साइड। ओके तो इसको मैं -90 कर देता हूँ, वहाँ +90 था तो वो उसके पीछे चला गया है। और अब दूसरा राइट और लेफ्ट तो हो चुका है, तो अब अपर साइड वाला हमको चाहिए होगा तो राइट का ही डुप्लीकेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ अपर। ओके अपर को भी नीचे लेके आते हैं एंड इसका भी सेम हमको करना होगा, बट इसके लिए हमको पहले पोजीशन ऊपर के साइड करनी है। तो बिफोर दैट आई एम गोना मेक इट 3D, देन पोजीशन इसको मुझे ऊपर लेके जाना है। ओके कुछ ऊपर के लिए, ये नीचे जा रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके तो 300 एंड ऊपर के लिए माइनस करना है तो 300 -200।
तो वो ऊपर चला गया है। अब इसको रोटेट करने का टाइम आ चुका है, तो इसको आर प्रेस करता हूँ। अब ऊपर के लिए मुझे अगर इसको रोटेट करना है तो मुझे एक्स एक्सिस पे रोटेट करना होगा, बट उसके पहले मैं उसका सेंटर पॉइंट देख लेता हूँ कि है कहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, सेंटर पॉइंट इसका यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्रॉपरली रख देता हूँ जिससे कि वो ठीक से रोटेट हो सके। कूल, बैक एक्स एक्सेस पे मुझे रोटेट करना है। ओके, अभी मैं देख सकता हूँ कि दूसरी साइड रोटेट हो रहा है, मुझे इस साइड नहीं चाहिए, मतलब प्लस साइड नहीं चाहिए, मुझे भी माइनस साइड में 90 इसको रोटेट कराना है दूसरी साइड। ओके, तो हो चुका है, कूल। अब उधर को चला गया, नीचे साइड का बाकी रह गया है, सॉरी। तो अब नीचे साइड में रोटेट कराने के लिए एक और मैं अपर का ही कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ डाउन। तो अब इस डाउन को लेके आता हूँ नीचे, और अब इसको भी सेम तरीके से हमको रोटेट करना होगा, पर उससे पहले पोजीशन, और उससे भी पहले 3D। अब पोजीशन आ चुकी है, तो उसमें मैंने -200 किया था, तो अब मुझे +200 करना होगा नीचे जाने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन पे। ओके, तो नीचे चला गया है। अगेन जो हमारा काम अभी आता है, सेंटर पॉइंट को लेके सेंटर में डालो। कूल, तो अब रोटेशन ऑन करता हूँ एक्स एक्सिस पे, प्लस में 90, और लास्ट टाइम हमने उधर जाने के लिए माइनस किया था। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्लस में 90 है। कूल, तो अभी मेरे पास तीन, सॉरी, ऊपर नीचे आगे पीछे राइट साइड राइट और लेफ्ट हो चुका है, तो अभी मुझे पीछे का ही बस बाकी रह गया है एक। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो कैमरा का व्यू चेंज कर देता हूँ, जिससे कि मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि मैं कौन सी साइड इसको घुमा रहा हूँ। ओके, तो अभी कैमरा का एंगल ये ठीक नहीं है उतना, ये वाला अभी उतना ठीक नहीं है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे से आके कैमरा का एंगल चेंज कर सकता हूँ, ऑर्बिट कैमरा यूज़ करता हूँ, इसको टर्न करता हूँ। ओके, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये वाला साइड खाली है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक और बनाना होगा सबसे पहले। तो यहाँ चलो राइट पे आके इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंपोजिशन सेटिंग में जाता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, बैक का जो अभी वाला, मतलब रियल वाला स्क्वायर जो अभी है ब्लैक का, वो इस साइड होगा यहाँ पे फ्रंट में, तो उसको मुझे बस पीछे लेके आना है इस साइड। तो उसके लिए मैं पोजीशन ऑन करता हूँ, सॉरी, उससे पहले मुझे बैक को नीचे तो रखना होगा। ओके, तो बैक को मैंने नीचे रखा, पोजीशन ओपन करी, 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि ये इधर से नीचे जा रहा है, नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, इधर से लेफ्ट साइड जा रहा है, नहीं मुझे लेफ्ट में भी नहीं जाना। ओके, बट यहाँ से मैं जब इसको बढ़ा रहा हूँ, जेड इसका एक्सेस बढ़ा रहा हूँ, तो वो पीछे आ रहा है जैसे कि अभी मैं देख सकता हूँ। तो बस मुझे इसको एग्जैक्टली पीछे ला के छोड़ देना है, 203 नहीं 200। ओके, होप्स आपको ये समझ में आया हो। तो अगर ये समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड या एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना सी दैट हाउ कैन वी रोटेट दैट सरफेस एंड मेक इट लुक मच बेटर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।